Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Mahraj ji, exam में सब कुछ आते हुए भी मुझे बहुत डर लगता है. Marks अच्छे आते हैं, लेकिन paper लिखते वक्त heart beats बढ़ जाते हैं. कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसा क्यों होता है. उपाय क्या है? एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी डर बहुत लगता है, तो इसका एक ही कारण है, अपनी योग्यता पर भरोसे की कमी. आप योग्य हो, आप ही नहीं, प्रकृति का हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी योग्य है. आपने देखा होगा, चींटियां भी अपना बचाव करना जानती है, मक्खी मच्छरों के पास में भी अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमताएं होती है. आदमी सदियों से मच्छरों को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मच्छर है ये हर एक दवाई को भी ओवरकम करके अपना जीवन को सरवाइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे. दुनिया के हर एक प्राणी में उतनी ही योग्यता है जितनी हमारे में है और जितनी एक सिद्ध परमात्मा में. हम सब में उतनी योग्यता है जितनी एक सिद्ध परमात्मा में है. हमें से कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता के प्रति अज्ञान होना, खुद के स्वरूप का भान नहीं होना हमारे सारे भयों का कारण बनता है. डर क्यों? क्योंकि हम खुद को नहीं जानते. खुद को जान ले तो कोई डर नहीं. जैन सूत्र स्पष्ट कहते हैं कि जिन्होंने खुद को जान लिया उन्होंने भय को जीत लिया. नमो जिनानम जीय भयानम. नमस्कार है उन जिनों को जिन्होंने भय को जीत लिया. जो भय को जीते वह जिन, वह ज्ञानी. जो डरपोक है वो ज्ञानी नहीं होता. तो आप एग्जाम में जाते हो, आपको अपना सब्जेक्ट, अपना सिलेबस सब कुछ याद है, पेपर्स भी आपके अच्छे होते हैं, मार्क्स भी अच्छे लाते हो, फिर भी डर लगता है. तो रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो चैलेंजेस को स्वीकार करने की, क्योंकि जिस व्यक्ति को चैलेंजेस को स्वीकार करने की प्रैक्टिस होती है, उसके सामने कोई चैलेंज आता है तो उसको डर नहीं लगता. हमने देखा होगा प्राचीन काल में अध्ययन के लिए गुरुकुल परंपरा होती थी. अब तो किताबों में रह गई, बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन उस गुरुकुल परंपरा के अंदर बालक को सर्दी, गर्मी, बारिश, हर ऋतु को सहना सिखाया जाता था. आज जैसी सुविधावादी संस्कृति पहले नहीं थी. आज तो मां पैदा होते ही बच्चे को इतना ज्यादा लपेट लेती है कि वो जरा सी सर्दी लग जाए तो जुखाम और बुखार का मरीज बन जाता है. क्यों? क्यों जरा सी सर्दी उस बच्चे को जुखाम बुखार दे देती है? क्योंकि बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई दी नहीं जाती, उसको पहले से प्रोटेक्ट किया जा रहा है. भूख लगने से पहले खाना इतना खिला दिया जाता है कि हमें से अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं कि भूख का एहसास होता क्या है, क्योंकि भूख लगने से पहले खाना तैयार होता है, प्यास लगने से पहले पानी तैयार होता है और नींद आने से पहले बिस्तर तैयार होता है. बिस्तर पूरे दिन बिछे ही रहते हैं, जो मर्जी सो जाओ. और पहले बिस्तर बिछाना कभी एक प्रोसेस था, तो हर वक्त तो आप बिस्तर बिछा ही नहीं सकते थे, तो हर वक्त आप सो ही नहीं सकते थे, तो दिन में सोने की कोई परंपरा ही नहीं थी, नहीं है? अब इतनी सुविधावादी संस्कृति है कि हर आदमी को जब जो चाहिए वो इंस्टेंट मिले. धीरज खत्म, चैलेंज लेने की क्षमता कमजोर, और तब पहले की बजाय आज का आदमी ज्यादा बीमार. न केवल शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी. मानसिक तौर पर भी हमारी पीढ़ी बहुत कमजोर पीढ़ी है. छोटी छोटी बातों पे हम अपने इमोशंस में
इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, जरा से प्रतिकूलताएं सहन नहीं कर पाते। और कितने स्टूडेंट्स तो जरा रिजल्ट खराब हो जाए सुसाइड तक की सोच लेते। 3-4 बार इंटरव्यू पास ना कर पाए तो घर छोड़ करके कहीं दूर चले जाने की सोच लेते हैं। इतना क्यों, इतने कमजोर बच्चे कैसे? क्योंकि माता पिता उसको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, ज्यादा सुविधाएं देते हैं। टीचर्स भी क्लासरूम एसी बनाने लग गए, बच्चे को ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे ना बारिश लगे, हर चीज से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। परीक्षाएं भी, आज भी परीक्षा से गुजरने से डरने लग गया है। और क्यों डरता आदमी परीक्षाओं से गुजरने में? क्योंकि आदमी को यह हौवा दिया जाता है कि परीक्षा बहुत बड़ी चीज है। तब भी डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, बैरिस्टर बनते थे। आज से पीछे जाओ 50 साल 70 साल 80 साल 100 साल पीछे, तब भी तो महान कवि थे, महान लेखक थे, विद्वान लोग थे, वैज्ञानिक लोग थे, आज भी होते। लेकिन तब कौन इतनी पढ़ाई पे ध्यान देता था? जिनको पढ़ना होता था वो पढ़ लेते थे, सुविधा के साधन कम थे, लोग मीलों चल करके स्कूल जाते थे। इतनी संतान होती थी, साधन अपर्याप्त थे, तब भी जिस व्यक्ति ने विकसित होना है वो सारी चुनौतियों को स्वीकार करके विकसित होता था और अपने जीवन की राह खोज लेता था। और आज हमारे पास इतने सारे विकल्प है, पहले तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, करे क्या क्या ना करे। और फिर एक दो संतान दिन रात मम्मी पापा उसी पे फोकस करते रहते हैं। और मम्मी पापा हो, टीचर्स हो, धर्म गुरु हो, और ये ज्योतिषी लोग हो, ये सब आदमी को इतना डरपोक बनाने की कोशिश करते हैं। अरे एग्जाम है, अरे एग्जाम है तो क्या हो गया, बड़ी बात क्या है? हार्ट बीट क्यों बढ़ती है परीक्षा के पेपर सामने आने पर? क्योंकि कहीं गहरे में एक संस्कार है, फेल हो गया तो, नहीं कर पाया तो, डिफिकल्ट हुआ तो। एग्जाम बहुत बड़ी चीज लगती है तो हार्ट बीट बढ़ती है। और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, चैलेंज लेते हो, क्रिकेट खेलते हो, कभी हार्ट बीट बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। फुटबॉल खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, जो भी आप अपने गेम्स खेलते हो, स्पोर्ट्स में जाते हो, गाड़ियां चलाते हो, बड़ी फुल स्पीड में गाड़ियां चलाते हो, हार्ट बीट बढ़ती है क्या? कभी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें मजा आ रहा है, रोमांच हो रहा है, तुम्हें यकीन अपने आप पर कि ये काम कर लोगे। और वहां तुम्हारे सामने कोई परीक्षा का हवा नहीं है कि कुछ फेल हो गया तो, कोई डर नहीं है, इसलिए कोई हार्ट बीट नहीं बढ़ती। एग्जाम में हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत कूट कूट करके एक डर बिठा दिया गया है। और डर बिठाते टीचर्स बिठाते, अरे बच्चों सीरियस हो जाओ, बोर्ड की परीक्षा है, अरे सीरियस हो जाओ, ट्वेल्थ में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो अच्छी कॉलेज में तुम्हारे को एडमिशन नहीं मिलने वाला। और जब अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो सारे टीचर्स कहते हैं इस कॉलेज का स्टेटस ही ऐसा है कि जब तक तुम 90 अबव नहीं लाओगे तब तक इस कॉलेज में रहने लायक ही नहीं रहोगे। तब और 90 अबव के लिए जाओ, कॉलेज के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। और फिर जिस कंपनी में जाना है तो उसके पहले तुम्हें अपना वो सारा स्टेटस वैल्यूज बढ़ाने के लिए दिन रात लगना पड़ता है। और फिर जिस कंपनी में एडमिशन हो जाता है, तुम ज्वाइंट हो जाते हो, जिस जॉब में ज्वाइंट हो जाते हो, वह दिन रात प्रेशर किया जाता है कि हमारी कंपनी में काम करना बोले तो तुम्हें 12 से 16 घंटा 18 घंटा तो काम करना पड़ेगा, तभी हमारी कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ पाएगी। और वो आगे बढ़ने के चक्कर में आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि 30 साल 35 साल 40 साल के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट इज दिस? 35-40 साल के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम सुनने को आ रही है, 30-35 साल के बच्चों में कैंसर मिल रहा है, ये क्या है? स्ट्रेसफुल लाइफ का इफेक्ट है। और ये स्ट्रेस क्यों दिए जा रहे हैं हम सब?
क्योंकि हम सबके दिमाग में कहीं आगे बढ़ने की धुन सवार हो गई, लेकिन वो आगे बढ़ के जाना का ये नहीं पता किसी को, मंजिल का पता नहीं है, भाग रहे सुबह से शाम तक भागे जा रहे, और फिर इट लास्ट दिन के अंत में, महीने के अंत में परिणाम क्या लाते हो? 60,000, 80,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 2,00,000 जॉब करने वाला कितना लाएगा? और आज भी ऐसे लोग हैं, तब भी थे, अभी भी है, हमेशा रहेंगे, जितनी भागदौड़ नहीं करते, स्ट्रेस नहीं लेते, बड़े आनंद से अपना बिजनेस करते हैं, और 1-2 करोड़ रुपए भी महीने में आसानी से कमा लेते हैं। क्यों? उनको कला आती है, बिना स्ट्रेस लिए काम करने की कला आती है। किसी के अंडर में नौकरी ना करते हुए भी वे अपना काम करना जानते हैं। पर अब नौकरी सिस्टम इतना ज्यादा आ गया कि हर आदमी बस एक ही चीज करना चाहता है, नौकरी को नौकरी। पहले के जमाने में नौकरी इसलिए कहते थे कि न करो इसलिए नौकरी, नौकरी। और सबसे निकृष्ट बिजनेस की श्रेणी नौकरी मानते थे। एक जमाना था जब उत्तम कृषि मानी जाती थी, उसके बाद विद्या दान करना, उसके बाद व्यापार करना, और जब कुछ भी ना मिले तो नौकरी करना। और आज सारा फोकस ही चेंज हो गया। अब व्यापार करने वाला आदमी भी नौकरी करने वाले की तारीफ करता है, सैटरडे संडे तो फ्री मिलता है इनको, जबकि वो नहीं जानते वो 5 दिन के अंदर में वो 7 दिन का काम पहले निकाल चुके होते हैं कंपनी वाले। तो सारा फोकस चेंज हो गया, वैल्यूज चेंज हो गई, आइडियल्स चेंज हो गए। इतना स्ट्रेस हम पर डाल दिया गया, और घर में मम्मी पापा डाल देते, एग्जाम है तो मम्मी को इतनी चिंता होती जितना बच्चे को नहीं होती। कितनी माताएं तो अपने सारे काम धंधे छोड़ करके बैठ जाती है, हम पूछ रहे क्या हुआ, अरे बच्चे का एग्जाम है, इस टाइम तो हम ना घूमने जा सकते हैं, ना स्थानक में आ सकते हैं, ना मंदिर जा सकते, बच्चे के एग्जाम है। अरे बच्चे के एग्जाम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे नहीं महाराज साहब, बच्चे के एग्जाम है, इतनी बड़ी टेंशन है एग्जाम है तो। टेंशन वाली बात क्या है, और भी तो काम करते हो बड़े इजीली, एग्जाम तो बड़े इजीली, इसको इतना भारी मानते क्यों हो? वजन देते हो आप, दूसरों पे वजन दोगे, आप चीजों पे वजन दोगे, वजन आप में अंदर बढ़ेगा ना, क्योंकि वजन जब भी दोगे अपने अंदर पैदा किए बिना तो दे नहीं सकते ना, पहले अपने अंदर तो उसका वजन बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो वजन बाहर दोगे। नहीं, किसी ने आपको गाली दी, हमने सुनी अनसुनी कर दी, आगे बढ़ गए, लेकिन आपको उस पर वजन देना है उसकी गाली पर, तो पहले अपने दिमाग में तो वजन देना पड़ेगा ना उस गाली पर, तभी तो बाहर वजन दे पाओगे। तो परीक्षा में भी आप इतना वजन अपने दिमाग पे दोगे तो परीक्षा में वजन दोगे, और फिर जब एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रहने लगोगे। टेक इट ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम ऐसे दो जैसे रोज क्रिकेट खेलने जाते हो, जैसे जिसको जो शौक है रोज शतरंज खेलने का शौक वाले को शतरंज खेलने जाते हैं, ऐसे दो ना इजीली, काहे को इतना सीरियस होते हो? और जीवन के अंत में ये थोड़ी पूछा जाएगा तुमने 98% लाए थे कि 95% लाए थे, कोई नहीं पूछने वाला। एक ही बात देखी जाएगी कि तुम भय को जीत करके, अपने आप को जान करके, अपने व्यक्तित्व की खिलावट के साथ मर रहे हो, या व्यक्तित्व सिकुड़ गया, मरने से पहले ही मर चुके हो। कैसे मरने वाले हो, कैसे मरने वाले हो भाई साहब? टेंशन लेकर के मरने वाले हो ना, कि खिले खिले हंसे हंसे हंसते हुए मरने वाले हो? है कोई हंसते हुए मरने वाला हमारे यहाँ? अरे एक आदमी को सुबह से शाम तक हर आदमी वजन डाल रहा है दिमाग पे, और जरा साधु संतों के पास था जो दो वजन डालते रहते, ये पाप ये पाप ये पाप, मरोगे नरक में पड़ोगे सड़ोगे। वो बेचारा आदमी बोलता है कि बड़ी मुश्किल से तो सारी दुनिया से चिंता मुक्त के लिए यहाँ पर आया, और यहाँ आए तो आपने और ज्यादा नरक का डर दिखा दिया, अब जाए तो जाएगा। और जो महाराज साहब कह दे कि अरे भाई नरक वरक का मत डर करो, इस जिंदगी को तुम ज्ञान और आनंद के साथ जियो, बोलते अरे महाराज से अलग तरीके के है, महाराज साहब डराते ही नहीं है, कहते ही नहीं इतना बड़ा पाप लग जाएगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, या तो ये महाराज साहब गलत है या फिर हमारे बाकी सारे महाराज साहब गलत है।
अब क्या कर रहे हैं आदमी के दिमाग में, कीड़े घुसाए गए। ज्योतिषी के पास जाओ वो डरा देगा, अरे तेरे तो वो शनि यहाँ पे आ गया है, वो मंगल यहाँ पे लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, शादी के बाद भी कुछ पता नहीं शादी टिकेगी नहीं टिकेगी। बेचारे पहले शादी के पहले उसके दिमाग में इतना कीड़ा भर देते हैं कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी, वो नहीं टिकने वाली कल्पना उसके दिमाग में पहले ही चालू हो जाती है। और बड़े लोग हैं जिनकी जिंदगी ज्योतिषियों ने खराब कर रखी है, ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी, निगेटिव घोषणाएं ज्योतिषी पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि वे डर की मानसिकता को समझते हैं कि जब तक आदमी को डराया ना जाए अपना धंधा नहीं चलाया जा सकता, डराना तो पड़ेगा। तो आपकी कुंडली में अच्छी बातें भी होगी ना, आप पता करना 80% किसी ज्योतिषी के पास जाओ, वो आपकी कुंडली की अच्छी बातें पहले नहीं बताएगा, पहले आपके सब नेगेटिव बातें बताएगा। 80% ज्योतिषी ऐसे करते हैं, और जो नकारात्मक बातें बोलते हैं आपको सुनते ही सीधा दिल पे लगती है, बरसों बरस याद रखते हो उसने ऐसा कहा था पता नहीं क्या होगा, उसने कीड़ा डाल दिया पता नहीं क्या होगा, ये कीड़ा है। और अब वो घटना होनी है या नहीं होनी है आपकी सोच की वजह से घट जाने वाली है वो, तो क्योंकि आप रोज सोचते हो पता नहीं रिश्ता टूटेगा, ये बिजनेस चलेगा नहीं, इतने साल में घाटा पड़ना है। अब इतना सोच सोच करके घाटा पड़ा लोगे, ना भी पड़ना तो पड़ जाएगा, पर हम करें क्या। माता पिता डरपोक डराते हैं, टीचर्स हर वक्त कंपटीशन, भागो तुम्हें आगे बढ़ना है, पता नहीं वो टीचर खुद क्यों नहीं आगे बढ़े, अभी तक टीचर ही क्यों है पर पता नहीं ऐसे ही है। ज्योतिषी लोग अरे ये अरे वो, और फिर साधु संत वो महात्मा भी कोई कम नहीं है, वो भी डरा देते हैं, नरक तिर्यंश ये दुख ये कर्म वो कर्म, अरे यार इतना पाप से डर करवाते हो। और लोग कहते हैं अरे कर्मों से डरो, अरे भगवान से डरो, तो भगवान भी कोई डराने वाली आइडेंटिटी है क्या? और भगवान भी क्या भक्तों को डराएगा क्या? लेकिन इस नाम पे धर्म विकसित कर दिए गए कि भगवान से डरो, जिस भगवान को किसी ने जाना ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं करी, जिससे हम बैठ करके बातचीत ही नहीं करते, उसे डरे किस बात के लिए? लेकिन भगवान से खौफ के नाम पे, खुदा से खौफ के नाम पर दुनिया में न जाने क्या क्या काम करवाए जाते और भजन बना दिए जाते हैं, अरे जरा डरो खुदा से, जरा डरो भगवान से, जरा डरो कर्मों से। और ऐसे कोई विरले महापुरुष होते भगवान महावीर जैसे, जो कहते किसी से मत डरो। क्यों? आत्मज्ञानी विराट गुरु जी हमें सिखाया करते थे, वो कहते डरना इटसेल्फ पाप है, किससे डरो तो बात की बात है, डरना इटसेल्फ पाप है। गिल्टी कॉन्शियसनेस इज सिन, अगर तुम्हारे में गिल्टी कॉन्शियसनेस है वही पाप है। स्पष्ट कहते हैं जैन धर्म, अगर तुमने अपराध भी कर लिया है तो डरो मत, आओ अपराध को स्वीकार करो, हिम्मत रखो, और कितना बड़े से बड़ा दुष्कर्म कर दिया हो प्रायश्चित संभव है अगर तुम्हारे अंदर में भय नहीं और कपट नहीं है, तो करो प्रायश्चित और मुक्त हो जाओ। अर्जुन माली मुक्त हो गया, अंगुली माल मुक्त हो गया, तो डरने की आवश्यकता क्या है? लेकिन देखो हम बुरा मत मानना भाई साहब, माफ करना, हम जैनियों के चेहरों पर भी सबकी हवाया उड़ी हुई थी। एक जैन धर्म था क्षत्रियों का धर्म था, जिनके चेहरे पे एक आत्म तेज होता था, आत्म शौर्य होता था, चेहरे पे शूरवीरता तेजस्विता होती। पर हमारे यहाँ ये युवा पीढ़ी के चेहरे देखो, ये बड़ों के चेहरे देखो, ये माताओं के चेहरे देखो, वो शूरवीरता वो तेजस्विता वो आत्मानंद वो आत्मविश्वास चेहरे पे नहीं दिखता। बाकी की बात तो छोड़ो, हम इतने कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जब बोलते हैं हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के चेहरे पर भी शौर्य नहीं है, विश्वास नहीं है, तेजस्विता नहीं है, बोध का प्रकाश ही नहीं है, सबके सब दबे दबाए डरे डराए पिटे पिटाए चल रहे। और हमारे बच्चों में बचपना खो रहा है, सारी कल्चर के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात हो रहा है। जैनी लोग कायर होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन सबके चेहरे देखो, क्यों भाई साहब? तो
कायरों की तरफ विकसित किए जा रहे, डेवलप किए जा रहे, डरपोकों की तरफ। ये क्या बात हुई? जैन धर्म जो बात ही ये कहता है कि भय मुक्त जियो, और उसके घर में छोटे छोटे बच्चे डर रहे हैं, औरतें डर रही है ना जाने किस से, शायद पुरुषों से, और ये आदमी लोग डर रहे हैं शायद औरतों से, राम जाने किससे डर रहे, पर हर कोई डरता हुआ जी रहा है। तो ये समझ ही नहीं आता कि ये जैन धर्म किसी ने सीखा भी है कि नहीं सीखा। अगर जैन धर्म सीखना है तो पहले जैनी की परिभाषा जान लो कि जो न डरता है न डराता है वह जैनी है, जो न डरता है न डराता है वह जैनी है। हम डराने वाले तो खैर नहीं है, लेकिन डरने वाले हैं तो पहली लाइन ही खत्म। चलो, हार्ट बीट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। उपाय क्या है? चैलेंजेस लो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जो चीज तुम नहीं छोड़ सकते हो वो छोड़ो, जो नहीं कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो लेकिन उचित है, मर्यादा में है, अनुकूल आचरण है, करो उसको, कर गुजरो। सुविधाओं को छोड़ो। हमारे यहाँ बचपन से ही बच्चे को पचकाण करवाए जाते थे, बच्चे हो बड़े हो साधु हो श्रावक हो, पचकाण करवाए जाते हैं। पचकाण क्यों? ताकि उसका आत्मविश्वास डेवलप हो कि वो कुछ भी चीज छोड़ सकता है, उसको गुलाम रहने की आवश्यकता नहीं, वो खाना तक छोड़ सकता है, इसलिए उपवास करवाया जाता है कि खाने पर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम खाना भी छोड़ सकते हैं, 3 दिन 8 दिन महीना भर छोड़ सकते हैं। अरे जैन धर्म वो बात कहता है कि इतने से खाने पर भी डिपेंडेंट मत हो। तो यहां कौन से कंफर्ट जोन में जी रहे हो? क्यों डरपोक हो रहे हो? क्यों हार्ट बीट बढ़ रही है? और फिर भी हार्ट बीट बढ़े, दिल को बोलो तू राजा है, काहे को घबराता है? ऑल इज वेल, तू राजा है, काहे को घबराता है? जय हो।